उज्जैन के सभी महापुरुष संत मंडलेश्वर महंत जितने भी आश्रमधारी सारे संत यहाँ पधारे हुए हैं उनके सम्मान के लिए। बड़े गौरव की बात है कि हमारे उज्जैन से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया महाकाल की कृपा से, और महाकाल की कृपा से राज्यसभा सबसे जो है बड़ी पंचायत है उसका नेतृत्व उमेश नाथ जी को दिया गया है। तो इससे बड़ी अपेक्षा है महाकाल की कृपा से अब उज्जैन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सनातन धर्म की जो परंपरा है देश और प्रदेश की, उसमें जो संत और भक्त जो निवास करते हैं अवंतिका में, तो सुबह 11 बजे लगभग शहर की 151 संस्थाओं ने मिलकर के सम्मान किया, और साधु संतों के माध्यम से आने वाले कुंभ में किस प्रकार से इस कुंभ का स्वरूप सबसे अच्छा हो जाए। केवल मैं नहीं, देश के समूचे सनातन संतों की भावना राज्यसभा पहुंची है। सारस्वत अभिनंदन में बोले सांसद उमेश नाथ जी महाराज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। उमेश नाथ जी महाराज एक राज्यसभा सांसद ने सारस्वत अभिनंदन समारोह में एक बार फिर देशवासियों को सनातन धर्म एवं संतों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि वह न केवल अपने आप को बल्कि देशवासियों के समूचे सनातन संतों को राज्यसभा में प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वे संतों के लिए जो धर्म और समाज के हित में काम कर रहे हैं वह हर बात के लिए उनकी समर्थन की गारंटी देते हैं। हाँ, आज हमारे इस क्षेत्र के संत समाज के आराम से करते अनुशासन और गरिमा के साथ हम इस कार्यक्रम की अंतिम बेला को रोक दे रहे हैं। सभी पूज्य संतगण और भक्तों की ओर से महाराज जी का सारस्वत अभिनंदन किया जा रहा है। महाराज का सारस्वत सम्मान किया गया है, और साधु संतों के माध्यम से आने वाले कुंभ में किस प्रकार से इस कुंभ का स्वरूप सबसे अच्छा हो जाए, जो भी आवे यहाँ से प्रसन्न होकर जाए, ऐसा उनसे साधु समाज के द्वारा निवेदन किया गया है। विशेषकर उज्जैन में जो कमियाँ हैं वर्तमान में, जैसे क्षिप्रा निरंतर प्रवाहमान हो और शुद्ध क्षिप्रा जी का जल हो, स्नान करने लायक हो, आचमन करने लायक हो, और उसके साथ साथ जो भी और कुंभ में कमियाँ दिखाई दे रही है उन सब कमियों को पूरा करके कुंभ को बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित साधुओं के लिए करें, ऐसा निवेदन किया गया सभी साधु। स्वामी रंगनाथ आचार्य, रामानुज कोट। उमेश नाथ जी महाराज ने बताया कि आगामी दिनों में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होने वाला है और वह सभी आवश्यक विषयों को सरकार के संगठन के साथ उठाएंगे। उन्होंने समारोह में भाग लेने वाले सभी संतों को प्रशंसा और सम्मान दिया। समारोह के अध्यक्ष रामानुज कोट के आचार्य श्री रंगानाथ चार जी महाराज ने भी इस मुहिम का समर्थन किया। समारोह में कई प्रमुख संत उपस्थित थे जिन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद संत समाज और भक्त परिवार के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। उन्होंने संतों को सम्मानित किया और उन्हें पुष्पमाला, साल, श्रीफल और सम्मान पत्र से सम्मानित किया। संतों का सम्मान किया गया, साथ में शेष को देखो कुछ चिंता भी थी, पत्र भी थी, आपको किस प्रकार से आप देखते उसको क्या? आज अवंतिका के दो बड़े आयोजन हुए, एक संत सत्कार समिति और ओम नमः शिवाय जप समिति के माध्यम से देश की प्रदेश की लगभग जो सनातन धर्म की जो परंपरा है देश और प्रदेश की, उसमें जो संत और भक्त जो निवास करते हैं अवंतिका में, तो सुबह 11 बजे लगभग शहर की 151 संस्थाओं ने मिलकर के सम्मान किया, और अभी अखाड़ा परिषद और शहर के समस्त संत महात्माओं ने मिलकर के नीलगंगा स्थित अखाड़े में सभी संतों का मन था कि सारस्वत सम्मान किया जाए, लेकिन मैं मानता हूं कि सभी संतों की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया मुझ पर बनी रहे। और रहा सवाल आने वाले कुंभ में, सभी संतों का एक मन है और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अवंतिका नगरी के हैं, भगवान महाकाल के लाल हैं, तो सभी संतों का ऐसा भाव है कि हम सब मिलकर के, और अवंतिकापुरी में जो आने वाला कुंभ का मेला है वो कुंभ का मेला खूब सुख शांति और समृद्धि से संपन्न हो,
सभी संत महात्मा प्रसन्न होकर के उज्जैन आए और प्रसन्न होकर के वो उज्जैन कुंभ मेला संपन्न करके और वापसी भी रवाना हो। उसमें जो ज़रूरी कुछ चर्चाएं हैं, जैसे कि आज रामादल अखाड़ा परिषद ने मुझे 18 सूत्री एक पत्र प्रस्तुत किया, वही पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। तो उसमें जो बहुत ज़रूरी बिंदु हैं उन पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाएगा और विचार के साथ साथ शासन प्रशासन और संत समाज को साथ लेकर के उनका निदान भी करने का पूरा प्रयास होगा। हम सभी संत मिलकर के एक ही सूत्र में केवल यही कहना चाहेंगे कि इस देश की ऋषि परंपरा जो अनादि काल से चली आ रही है, उस ऋषि परंपरा में सभी सामाजिक क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो, सबका विकास हो, सब लोग सुख शांति और समृद्धि से जी पाएँ, चाहे उसमें शासन का सहयोग हो या भगवान का हो। हम सब मिल करके और उसका पूरा प्रयास करते रहते हैं रात और दिन। केवल हमारा यही भाव रहता है कि समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश उन्नति करे और भारत पुनः विश्व गुरु बने, ऐसी हमारी भावना है। खास करके सीएस के लिए लोगों की इच्छा है कि सिप्रा शुद्धिकरण हो, किस प्रकार से आप अपना पक्ष रखते थे वहाँ पर? सिप्रा शुद्धिकरण के लिए बहुत वर्षों से विभिन्न प्रकार के प्रकल्प चलाए गए हैं, लेकिन उससे भी कोई अच्छा प्रकल्प जो है खोजेंगे और उससे पूरा समाज और पूरा संत समाज, पूरे उज्जैनवासी उससे प्रसन्न होंगे, ऐसी हमारी भावना है। और उस प्रकल्प को पक्की बात है कि भगवान महाकाल पूरा भी करेंगे। आज जो है हमारे परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी को राज्यसभा सदस्य मनोनीत करने पर आज हम लोगों ने सारस्वत अभिनंदन का प्रोग्राम रखा है। उज्जैन के सभी महापुरुष संत मंडलेश्वर महंत जितने भी आश्रमधारी सारे संत यहाँ पधारे हुए हैं उनके सम्मान के लिए। बड़े गौरव की बात है कि हमारे उज्जैन से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया महाकाल की कृपा से, और महाकाल की कृपा से राज्यसभा सबसे जो है बड़ी पंचायत है उसका नेतृत्व उमेश नाथ जी को दिया गया है। तो इससे बड़ी अपेक्षा है महाकाल की कृपा से अब उज्जैन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, मेरा नाम श्यामगिरी महंत बाबा, राधे राधे बाबा, चिंतामण रोड। समारोह के अंत में नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और समाज सेवी लोगों ने भी उमेश नाथ महाराज का गर्म स्वागत किया। उन्होंने पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। खबरों के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।